प्रदेश सरकार के कृषि एवं पशुपालन मंत्री ओपी धनखड़ ने जहां पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल को पूर्व सीएम हुड्डा का भक्त बताया है, वहीं उन्होंने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर को बेचारे की संज्ञा दी है। धनखड़ मंगलवार को झज्जर की अनाज मंडी में बाजरे की खरीद का जायजा लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ उनसे जब मीडिया के लोगों ने भुक्कल द्वारा पूर्व सीएम हुड्डा को आज भी हरियाणा में सरकार बनाने में सक्षम बताने वाले बयान पर पूछा तो उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कितनी हैरत की बात है कि अपने रथ पर सवार होकर जिस नेता ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष की गर्दन तोड़ दी हो उसी की स्तुति का गुणगान उसी पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि तंवर ने ही हुड्डा पर उनकी गर्दन को तोड़ने व जाट आरक्षण के दौरान पुराने रोहतक जिले को जलवाने का आरोप लगाया था। इस दौरान झज्जर की अनाज मंडी में बाजरे की खरीद का जायजा लिया और वहां उपस्थित अधिकारियों को बाजरा खरीद करने व किसानों के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि नेटवर्किंग के कारण जिन किसानों का बाजरे की खरीद को लेकर पंजीकरण रह गया था उन किसानों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से किया जाए। इस दौरान बाजरे की खरीद को लेकर कुछ किसानों द्वारा रखी गई परेशानी का समाधान भी जल्द से जल्द करने के आदेश मंत्री धनखड़ द्वारा दिए गए। ग्रामीण स्वच्छता पर हरियाणा को मिले प्रथम पुरस्कार पर मंत्री ने हरियाणा के लोगों को बधाई दी और कहा कि यह तो शुरुआत है, भविष्य में स्वच्छता को लेकर और भी अच्छा कार्य किया जाएगा। अब भी इतने सक्षम है कि अपने प्रदेश में सत्ता काबिज कर सकते हैं अगले अगले। ऐसा है कि वो हुड्डा भक्त है और अध्यक्ष के साथ नहीं चल रही, जबकि अध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग से आता है। अब अध्यक्ष अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले अध्यक्ष का साथ देना चाहिए, उसको अकेले में नहीं डालना चाहिए। एक आदमी रथ पे चढ़ के चले इलीट करके और एक आदमी बेचारा साइकिल पे चले और साइकिल पे चलने वाले की पिटाई कर दें और पिटाई करने वाला भी ये कहे कि भी मेरे को पीटने वाले और रोहतक को जलाने वाले एक ही हैं। आप देखिए उनके अध्यक्ष की स्थिति क्या है। उस नाते से पार्टी ने अध्यक्ष का साथ देना चाहिए।